हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएफसीआई। दोस्तों, मैं अर्जुन। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ, जो क्वेश्चन अधिकतर लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है कि जिन क्वेश्चन के मैं आंसर आपको देने वाला हूँ, वो क्वेश्चन शायद आपके मन में भी हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनसे आपको, आप जो एग्जाम्स देते हैं उनमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि साइको टेस्ट, कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं कि साइको के बारे में बताएं, साइको का टेस्ट कैसा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, साइको के बारे में अभी किसी भी प्रकार से आप लोग ना सोचें, अभी सिर्फ प्री और मेंस पर फोकस करें। साइको तो बहुत आगे की बात है, जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जब मेंस क्वालिफाई करेंगे, और अगर आप ASM और TA की कैटेगरी के लिए सिलेक्ट होंगे, तब जाके आपको साइको देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अभी साइको के बारे में मत सोचें, लेकिन फिर भी कई लोगों ने कमेंट किए हैं, तो मैं आपको साइको के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आपका जो साइको टेस्ट होता है वो 88 मिनट का एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या होता है, आपको पांच आपके टेस्ट होते हैं, जो एक तरह से देखा जाए रीजनिंग के टेस्ट होते हैं। पांचों के नाम आपको यहां पर शो कर रहे होंगे, ये पांचों टेस्ट होते हैं रीजनिंग में। तो मेरे हिसाब से अगर जिनकी रीजनिंग अच्छी होगी, जिन्हें रीजनिंग जो आसानी से लगा लेते हैं क्वेश्चन को, जिनका दिमाग तेज चलता है, वो आसानी से साइको टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। और फिर जब साइको होगा, तब साइको के हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा साइको की। कई कोचिंग भी हैं जहाँ जाके भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो साइको के बारे में अभी ना सोचें, अभी सिर्फ प्री और मेंस पर फोकस करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि बुक्स के बारे में बताएं। कई लोग अभी तक ये पूछ रहे हैं कि GK के लिए कौन सी बुक लूं, साइंस के लिए कौन सी बुक, मैथ के लिए। तो देखिए, इन सब बुक्स के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आपको बुक्स समझ में नहीं आ रही है, आपने वीडियो नहीं देखी है, तो जो भी बुक्स इंपॉर्टेंट है उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप चाहें तो बुक्स को वहां से देख सकते हैं कि कौन से पब्लिकेशन की बुक है, आप चाहें तो आप अपने नज़दीक में जो बुक स्टोर है वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वहां नहीं मिलती है, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लें। और साथ ही साथ कई लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि प्रैक्टिस सेट कौन से लगाएं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट आप कोई से भी लगा लें, ऐसा तो है नहीं कि जो प्रैक्टिस सेट मैं बताऊंगा या जो और कोचिंग वाले बताएंगे उस प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो प्रैक्टिस सेट से सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी होती है, आपकी स्पीड अच्छी होती है। ये मतलब नहीं होता है कि प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है वही आएंगे। हाँ, ये होता है कि दो चार क्वेश्चन फंस जाते हैं जो प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं, आप बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो कॉमन सी बात है कि आप जो NTPC का एग्जाम देंगे, चाहे वो किसी भी शिफ्ट का हो, उसमें लगभग कम से कम 60-70% क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट से ही फंसेंगे। बाकी 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आउट ऑफ सिलेबस रहेंगे, आपने जो शायद प्रैक्टिस सेट में नहीं लगाए होंगे। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छे प्रैक्टिस सेट चाहिए हैं, तो उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। देखिए, कई लोगों ने क्या किया है, फॉर्म भरते टाइम, अप्लाई करते टाइम बहुत बड़ी गलती की है कि उन लोगों ने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है। देखिए, अगर आपने जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर नहीं लगाया है, तो आपकी जो कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी काउंट की जाएगी UR में, यानी अनरिजर्व जनरल में आएंगे आप। और ये चीज़ आप लोगों को बड़ी भारी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप OBC SC ST के भी कैंडिडेट हैं, तब भी आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। ये गलती पिछले साल भी कई लोगों ने की थी। तो यार, जस्ट सपोज कीजिए कि अगर आपके मार्क्स OBC से ज़्यादा हुए, आप OBC के कैंडिडेट हो, OBC से ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन जनरल से कम मार्क्स रहेगा, तो आप इसमें बाहर हो सकते हैं। तो एक चीज़ अच्छे से याद रखें, जिन लोगों ने अभी जो गलती कर दी है, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया, ताकि आप लोगों की जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी कम्युनिटी के बेस पर बनेगी। तो अभी तो जो हो गया है हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। आगे चल के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पर आप अपना कास्ट का जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो लगाइएगा। तो ये हो गई कास्ट सर्टिफिकेट की बात। अब इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई लोगों ने पूछा है कि जॉब के साथ तैयारी हो सकती है। तो देखिए, मैं बताता हूँ, आप में से कई ऐसे हैं जो अभी जॉब कर भी रहे होंगे, या तो सरकारी में होंगे या प्राइवेट कहीं भी हो। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जॉब लगने के बाद भी पढ़ाई करें। तो मैं बता देता हूँ, देखिए, जॉब में रह के पढ़ाई सिर्फ दो तरीक़ों से हो सकती है। एक तो वो लोग
अपना तरीका बना सकते हैं, जिनकी जो जॉब है उनके ड्यूटी आवर्स फिक्स होते हैं। जैसे कि आपके ड्यूटी आवर मान लीजिए केवल आपकी दिन ड्यूटी लगती है सुबह 8 से शाम के 4 बजे की, और आपकी साल के 365 दिन में यही ड्यूटी हो, तो ऐसे लोग क्या करते हैं अपना एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, अपना एक रूटीन बना लेते हैं कि शाम को मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ूंगा। लेकिन दूसरे टाइप के दूसरे तरीका वे लोग बनाते हैं जो ड्यूटी आवर्स जिनकी फिक्स नहीं होती हैं, जैसे कि मैं, मुझे दिन ड्यूटी भी करनी पड़ती है, शाम की ड्यूटी भी करनी पड़ती है और नाइट की ड्यूटी भी करनी पड़ती है, तो ऐसे में पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन मुश्किल नहीं है ना ही नामुमकिन है। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी प्राइवेट जॉब में हैं, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई को दीजिए और केवल उन बेसिक टॉपिक के बारे में पढ़िए जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब में भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप किसी ऑनलाइन कोचिंग क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया ये है कि आप खुद ही तैयारी करते रहें, जो टॉपिक आपको नहीं आते वो आप यूट्यूब पर पढ़ें, उनके बारे में समझें, तो जॉब में रहकर आसानी से पढ़ाई हो सकती है। कुछ कई लोग मुझसे पूछे थे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं अपनी जॉब में रह के पढ़ सकता हूँ, मेरी जॉब काफ़ी बिजी है, मैं यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाता हूँ, मुझे इतना टाइम कैसे मिलता है, तो उन्हें मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, मेरे ड्यूटी आवर सिर्फ 8 घंटे हैं, 8 घंटे के बाद मैं फ्री रहता हूँ, इसमें मैं सो भी लेता हूँ, खाना पानी घूमना फिरना, और मैं यूट्यूब के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ, साथ ही मैं खुद भी पढ़ लेता हूँ। तो ये जब आप जॉब में आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बात अलग है कि अगर कोई इंसान आलसी है तो कॉमन सी बात है, वो जॉब के बाद सिर्फ आराम करेगा, घूमेगा फिरेगा, उसे पढ़ाई या और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा, तो ये एक अलग बात हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से जॉब में रह के पढ़ा जा सकता है, जॉब में रह के आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि रेलवे में हॉलीडेज छुट्टी कितनी मिलती हैं, तो देखिए छुट्टियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा अभी तो आप लोगों को अभी ठीक से समझ में नहीं आएगा कि कौन सी छुट्टी होती है, किस तरह मिलती हैं, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटी बता देता हूँ। रेलवे में आपको जो रेलवे तरफ से छुट्टी मिलेंगी लगभग 50 के करीब आपको छुट्टी मिलती हैं। इसके अलावा आपका वीकली एक ऑफ होता ही है, तो साल भर में 52 छुट्टियां वो हो जाती हैं। इसके अलावा आपको NH मिलती हैं, नेशनल हॉलीडेज, ये भी मिल सकते हैं। तो इस तरह कुल मिला के मेरे हिसाब से जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, रेलवे में लगभग आपको साल भर में टोटल विद वीकली रेस्ट लगभग 120 से 130 के करीब छुट्टियां आपको मिल सकती हैं। अब इसके अलावा आप लोगों के लिए आज का जो एक सबसे खास क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है वो आपको बताना चाहता हूँ। कई लोगों ने RRB JEE के एग्जाम को RRB NTPC के एग्जाम से कंपेयर किया है कि जो RRB JEE के जो एग्जाम हुए हैं इनमें जिस तरह से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से NTPC पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है और जिस तरह JEE का एग्जाम हुआ है उसी तरह से बेसिक क्वेश्चन ही आपकी RRB NTPC में भी आएंगे। देखिए क्या हुआ था, जब ग्रुप डी का अभी जब एग्जाम हुआ था 2018 का, तो सब लोग टेंशन में आ गए थे कि भाई इतना टफ पेपर कैसे हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन क्यों आए हैं। तो कई लोगों ने मुझसे भी कहा था कि तेरे टाइम पे पेपर सिंपल आया था, तूने तो यूं ही हलवा था तेरा, तो पेपर आराम से निकाल लिया होगा। तो मैं बता देता हूँ कि देखिए पेपर हलवा कोई नहीं था, मेरे टाइम पे भी CA की मेरिट 90 से ऊपर गई थी और अभी भी 90 से ऊपर ही जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यार देखिए टाइम के हिसाब से सबका क्वेश्चन पेपर टफ होता है, मेरे टाइम पे भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर टफ था। और मैं ये भी दावे से कहता हूँ कि अगर मैं उस टाइम से अभी तैयारी कर रहा होता और मेरी जॉब नहीं भी लगी होती तब भी मेरी तैयारी मैं आज के हिसाब से ही करता हूँ, मुझे आज भी पेपर से उतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एग्जाम से आप अगर डरोगे तो एग्जाम आप कभी क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो एग्जाम को अपना एम बनाओ, अपना टारगेट बनाओ कि मुझे ये पोस्ट लेनी है, ऑटोमेटिक ही आपकी तैयारी होगी, ऑटोमेटिक आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। और देखिए मेरे लिए मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ, मेरा मोटिवेशन बूस्टर तो यही है कि जो लोग आपकी बुराई करते हैं बस उन लोगों को याद करो कि मुझे इन लोगों को गलत साबित करना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक ही आपके अंदर एनर्जी आएगी कि मुझे तैयारी करनी है। तो ये चीज़ तो तैयारी करने की बात हो जाती है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, JEE के पेपर में जिस तरह बेसिक के क्वेश्चन आए हैं बेसिक क्वेश्चन ही आपके आएंगे RRB NTPC में। साइंस भी आपको सिंपल सी आएगी, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GK भी सिंपल आएगी, करंट अफेयर्स के भी ऊपरी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सिंपल सी जो होते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर कौन है, इसके अलावा जो बैडमिंटन चैंपियनशिप होती हैं, टेनिस चैंपियनशिप होती हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स विनर, फाउंडेशन वगैरह, कई प्रकार के जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बेसिक क्वेश्चन करंट अफेयर्स के वो पूछे जाएंगे। मैथ का लेवल बहुत सिंपल आएगा, मैथ बिल्कुल टफ नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से जहां तक है 2016 और 17 में जो NTPC के प्री मेंस एग्जाम हुए थे बिल्कुल वही लेवल रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और कई लोगों ने ये भी पूछा था कि प्रियो मेंस में क्या होता है, मेंस का लेवल ज्यादा टफ होता है क्या, तो कुछ टफ नहीं होता है, प्रियो मेंस का लेवल सेम होता है, बस क्वेश्चन 120 हो जाते हैं मेंस में और कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम रहेगा सब कुछ। इसी के साथ साथ एक और बात भी है जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अभी तक कई लोग ये पूछ रहे हैं एग्जाम कब तक होगा, तो दोस्तों मैं फिर बता देता हूं, जब तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं आती है तब तक आप लोग यही माने कि जून से सितंबर के बीच में एग्जाम होंगे, आपके जब एडमिट कार्ड आएंगे तब आएंगे वो बात अलग है, लेकिन अभी जून से सितंबर मानिए। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपका एग्जाम जून से स्टार्ट नहीं होता है तो ये एग्जाम जुलाई के बाद ही होगा, यानी लगभग मान लीजिए अगस्त सितंबर के करीब होगा, लेकिन जून में अगर नहीं हुआ तो जुलाई में भी नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो एग्जाम को छोड़ो यार, तो डेट को छोड़ो कि कब एग्जाम होना है, फोकस इस पे करो यार कि तैयारी कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी तैयारी करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तैयारी पर फोकस करिए, ज्यादा बेस्ट वही रहेगा। अब दोस्तों इसके अलावा आप लोगों के और भी कई सारे क्वेश्चन है, तो देखिए अब मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी ये बात बताने वाला हूं। देखिए पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है, जो मैं यूट्यूब क्रिएटर सॉफ्टवेयर डाले हुए हूँ, अपने ऐप डाले हुए हूँ, इसमें क्या है कई लोगों के कमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग मुझे या तो फेसबुक पर सर्च कर लीजिए, फेसबुक पर अर्जुन झा के नाम से मेरा अकाउंट बना हुआ है, इसके अलावा या चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर चले, वहाँ पर अर्जुन झा 951 के नाम से मेरी आईडी हुई है, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आप यहाँ अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, या फिर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सबको रिप्लाई करूंगा, मैं कोशिश यही करता हूं कि सबको रिप्लाई करूं, और सबसे ज्यादा तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, अपना सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, मैं जितना हो सकूंगा जितना भी आपको मोटिवेट कर सकूंगा करूंगा, जो आपके क्वेश्चन उनके आंसर भी आपको करूंगा, तो बस अपना एक एम बनाए रखिए आप लोग। देखिए मैंने कल फोटो अपलोड की थी जिसमें जो मैं ZRTI चंदौसी में हूं, यूनिफॉर्म में हूं अपने, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि एक अपने मन में एक गोल बना के रखें, अपना एक एम बना लें कि चाहे कुछ हो जाए वो व्हाइट यूनिफॉर्म आपको भी चाहिए है। मैं दिल से बोल रहा हूं, जिस दिन ZRTI चंदौसी में मैंने पहला कदम रखा था उस दिन अपने आप में एक अच्छी मतलब फीलिंग आई थी कि यार कुछ बन के निकलूंगा यहां से 3 महीने बाद, और जिस दिन पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी, टाई लगाई थी, उस दिन लगा था यार कि वास्तव में यूनिफॉर्म में आने के बाद लगता है कि तुमने जो इतनी मेहनत की है, पढ़ाई की है, उसका तुम्हें कुछ ना कुछ फल मिला हुआ है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि प्लीज़ तैयारी अच्छे से कीजिए, अपना एम बनाएं, और तैयारी जितने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल की करें उतना अच्छा है। डायग्राम्स बनाकर पढ़ें, एक हिंट देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको जीके के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, जीके में कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आप नई दिल्ली जो है वो एक पेपर पर लिख लें, अब आपको दिल्ली से रिलेटेड जितने ही पॉइंट मालूम है सब लिखें, जैसे कि जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल कब बनी, न्यू दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका फाउंडर कौन है, किसने वो कुतुब मीनार बनवाई है, इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दिल्ली में उनके बारे में पढ़ें, दिल्ली में जो भी अकेडमीज हैं उनके बारे में पढ़ें, दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, दिल्ली कैसी बनी, दिल्ली से आज के वर्तमान में जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ें। इस तरह आप क्या करें, अगर पेपर के बीचों बीच न्यू दिल्ली लिख के अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स पे लिख लेंगे तो इससे आपको एक बहुत अच्छा फायदा ये होगा कि लिखते टाइम ही कई सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि देखिए एक मेंटली हमारी सोच होती है, एक साइकोलॉजिकल रीजन है, आप जो कई सारे पॉइंट लिखे हुए होते हैं उन्हें पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होती है और बोर होता है इंसान, लेकिन अगर किसी डायग्राम को जब वो पढ़ता है तो उसे काफी आसानी से सारी चीजें याद हो जाती हैं। जैसे कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ें, कोई भी चीज पढ़ें जो कि मैप से पढ़ी जा सकती हो तो उसे आप मैप से ही पढ़ें। जैसे मैं एक हिंट देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको एयरपोर्ट याद करने हैं तो आप क्या कीजिए, इंडिया का मैप लीजिए, आप चाहें तो इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंटर से कॉपी निकालना पड़ी या फोटो कॉपी करवा लें कई सारी, उस पर आप जिस स्टेट में जो एयरपोर्ट है वहां पर उस स्टेट में उस एयरपोर्ट को इंडिकेट करके लिख सकते हैं। इस तरह मैं आपको गारंटी देता हूं आप सारे एयरपोर्ट याद कर सकते हैं। मैं खुद बताता हूं, मुझे एक मतलब मुझे अपने आप में अच्छा भी लगता है कि मैंने इतनी चीज याद की। आपने पढ़ा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और इसके अलावा नेशनल पार्क के बारे में, तो आप ल्यूसेंट में देख लिया, कहीं भी किसी बुक में देख लीजिए मिनिमम 50 दिए हुए हैं, लेकिन मैंने सारे के सारे लगभग 180 के करीब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद किए थे, वो वाले जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब मैंने सिर्फ मैप की वजह से याद किए थे, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट याद करता तो मैं नहीं कर पाता यार, लेकिन काफी अच्छा लगता है इतना सब पढ़ने के बाद।
तो मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा सुधारें, हमेशा पुराने तरीकों से नहीं पढ़ें। कभी ये मत कीजिए कि नोट्स को लिया रट्टा मार रहे हैं। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। अपने तरीके बनाएं। मैं तो यही कहूंगा जितना हो सके यूट्यूब पर जितनी शॉर्ट ट्रिक हो किसी भी चैप्टर की पढ़ें। शॉर्ट ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। कई लोग कहते हैं कि लॉन्ग पढ़ो शॉर्ट ट्रिक में क्या रखा है, मैं कहता हूं लॉन्ग भी पढ़ो लेकिन शॉर्ट ट्रिक तो पहले पढ़ो ताकि आपको वो चीज एक थोड़ी सी दिमाग में रहे, ताकि लॉन्ग पढ़ते टाइम आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो मेरे हिसाब से आप तैयारी अच्छे से करते रहें। आपकी जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपने फेसबुक पेज की जो एड्रेस है वो आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप मुझे चाहें तो सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसकी लिंक मैं जल्दी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं और दम से तैयारी कीजिए। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम है मैं हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस पढ़े कंटिन्यू पढ़ते रहें और यही कहूँगा कि जल्दी से आप सब लोग भी जॉब में आ जाएं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।